Welcome back to my channel. So today in this video I'm gonna share with you quick, easy and simple nude makeup look for every day. और हाँ गाइस, साथ ही साथ में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने ये वाली सिंपल सी क्यूट सी हेयर स्टाइल कैसे क्रिएट की है, ये भी बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी हिमालया की क्लियर कॉम्प्लेक्शन वाइटनिंग डे क्रीम। उसको मैं पूरे फेस पर और नेक पर अच्छे से अप्लाई करूँगी। गाइस, मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, तो आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर से लगाया कीजिए। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ये लिप बाम। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बायोटिक की बायो फ्रूट वाइटनिंग लिप बाम। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर। सो मैं थोड़ा सा प्राइमर अपनी फिंगर टिप पर लेकर उसको पूरे फेस पर ऐसे डैप डैप करके अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ये लैक्मे की 925 सीसी क्रीम। उसको मैं डॉट डॉट करके पूरे फेस पर फेस और नेक पर अप्लाई करूँगी और वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। गाइज, मैंने आज कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है क्योंकि आज मुझे न्यूड मेकअप लुक क्रिएट करना था और मुझे सिंपल मेकअप लुक चाहिए था, कोई भी हाई कवरेज नहीं चाहिए थी। इसीलिए मैंने ये वाली सीसी क्रीम यूज़ की है क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट होती है। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कंसीलर। इसको मैं अपनी अंडर आइज पर, थोड़ा सा नोज़ पर, माउथ के अराउंड और थोड़ा सा जहाँ जहाँ पर मुझे डार्क स्पॉट्स वगैरह कुछ होते हैं मैं वहाँ पर अप्लाई करूँगी और इसे भी वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। गाइज, अगर आपको कंसीलर लगाना अच्छा नहीं लगता है तो आप सीसी क्रीम को ही वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर। तो मैं यहाँ पे मैक स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ब्रॉन्ज़र। तो मैं उसको अपने चीक्स पर, थोड़ा सा नोज़ पर और जो लाइन पर अप्लाई करूँगी क्योंकि इससे हमारा फेस थोड़ा सा स्लिमर लगता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ब्लश। तो मैं इसे अपने चीक्स पर, थोड़ा सा नोज़ पर, थोड़ा सा चिन पर अप्लाई करूँगी क्योंकि इससे एक नेचुरल सा लुक मिलता है हमें। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ये मेबलिन की हाइलाइटर प्लस कॉन्टोर डियो स्टिक। इसको मैं अपने चीक बॉन्स पर, थोड़ा सा ब्रिज ऑफ द नोज़ पर, थोड़ा सा क्यूपिड्स बो पर अप्लाई करूँगी और इसे अपनी फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी आईब्रो पेंसिल। इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ नायका की आईब्रो पेंसिल। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रो लाइन को ड्रॉ करूँगी और इसके बाद एक ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी क्योंकि कोई हार्श लाइन ना दिखे और एक नेचुरल सा लुक मिले। इसके बाद अब बारी आई मेकअप की। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। मैं सबसे पहले ये वाले लाइट शेड को लेके अपने पूरे आई लिड पर अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं ये वाले लाइट ब्राउन शेड को अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई करूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट मैं ये वाले थोड़े से डार्क ब्राउन शेड को अपनी आउटर वी पर अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा ये हमें लेना है। इसके बाद ये वाले शिमरी शेड को मैं अपनी हाफ आई लिड पर अप्लाई करूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और नेक्स्ट मैं ये वाले ब्राउन शेड को लेकर अपनी लोअर लाइन पर अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मेबलिन की आईलाइनर। ये वाली लाइनर बहुत ही अच्छी आती है गाइज, मैं उसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ पर ख़त्म ही नहीं हो रही है। मुझे ये वाली लाइनर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में ये वाली लाइनर यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी ये वेट एंड वाइल्ड की वाइट काजल पेंसिल और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी प्लम्प की ब्लैक कलर की काजल। इसको मैं इसके नीचे अप्लाई करूँगी जिससे हमारी आईज़ थोड़ी सी बिगर लगे और एक अच्छा सा लुक आईज़ को दे। इसके बाद मैं लाइट शिमरी शेड को अपने इनर कॉर्नर में और ब्रो बोन पर अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मस्करा, उसको मैं अपने अपर लैश और लोअर लैश पर अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मेबलिन की लिपस्टिक इन दिस शेड 657 न्यूड न्यूंस।
सो गाइज़ हमारा मेकअप बिल्कुल रेडी है, अब है हेयर स्टाइल की बारी। सो गाइज़ ये मेरी फेवरेट हेयर स्टाइल है क्योंकि ये वाली हेयर स्टाइल बहुत ही जल्दी से हो जाती है, एकदम से क्विक। आपको कहीं जाना होता है तो जल्दी जल्दी में आप ये वाली हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है गाइज़। तो गाइज़ आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको एक सिंपल सी ब्रेड बनानी है और फ्रंट साइड से थोड़े थोड़े से बाल लेकर इसमें ऐड करते जाना है। सो गाइज़ ऐसे ही करते करते आपकी हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो जाएंगी, ओनली 1 मिनट्स में आपकी हेयर स्टाइल हो जाएंगी, बहुत ही ईजी हेयर स्टाइल है। और हो जाने के बाद हम एक पिन से इसे ऐसे सिक्योर कर लेंगे। सो गाइज़ हमारी हेयर स्टाइल बिल्कुल रेडी है और अब मैं पहनूंगी मेरा क्यूट सा ब्रेसलेट और रिंग। सो या हमारा हेयर स्टाइल और मेकअप दोनों हो गए हैं डन। तो गाइज़ आपको मेरा ये न्यूड मेकअप लुक और हेयर स्टाइल कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो आई होप मेरा ये लुक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।